हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। यहाँ है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट चार्ज है और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, है ना। चार्ज एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, है ना। और फिर हमें फाइंड करना है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उसको डबल कर दें हम, देन हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तब फ्लक्स कितना पास होगा, क्या फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। फर्स्ट हम ए का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, और पॉइंट चार्ज की वैल्यू तो गिवन है नहीं, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया हमने क्यू, और एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। ओके, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल, है ना। और रेडियस क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ओके, और ये सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, पॉइंट चार्ज। अगर ये बोल रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, इसकी रेडियस को हम जस्ट डबल कर दें 20 सेंटीमीटर कर दें, उस कंडीशन में अगर गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये होगा गॉसियन सरफेस, और इसकी रेडियस मान ली हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो फ्लक्स कैसा रहेगा। देखिए, जब 10 सेंटीमीटर रेडियस थी उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनसाइड। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है फ्लक्स, चार्ज इन गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है वैल्यू, है ना। क्या यहीं यहाँ कहीं इसमें रेडियस या इसके सरफेस का तो कोई टर्म है नहीं इस फॉर्मूले में, है ना, कोई भी टर्म नहीं है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, केवल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्यू पर डिपेंड करेगा। भले ही हम 20 सेंटीमीटर का, भले ही हम 100 सेंटीमीटर का स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लें गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स तो उतना ही पास होगा, जो फील्ड लाइन्स हैं वो उतनी ही पास होंगी। वही फील्ड लाइन्स 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस के गॉसियन सरफेस से पास होंगी, और वही फील्ड लाइंस 20 सेंटीमीटर वाले गॉसियन सरफेस के गॉसियन सरफेस से पास होंगी, तो फ्लक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा, वही फ्लक्स इससे निकलेगा, वही फ्लक्स इससे निकलेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ से ये क्लोज्ड सरफेस हमने ड्रॉ किया है, है ना। तो जो गॉसियन सरफेस है किस पे डिपेंड करता है, केवल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, है ना। इस कंडीशन में फ्लक्स वही रहेगा, तो हम कहेंगे यहां पे फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स विल रिमेन सेम, कोई इफेक्ट नहीं आएगा फ्लक्स पे, जितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है उतना ही फ्लक्स पास आउट होगा। सेकेंड पूछ रहे हैं ये यहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू बतानी है, है ना, और फ्लक्स गिवन है यहाँ पे, दिस इज द फ्लक्स गिवन, है ना। फ्लक्स कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, -1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके, अब हमें ये पॉइंट चार्ज जो है इनसाइड रखा हुआ है इसके, इसी की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ इस वैल्यू को हम लगा देंगे -1.0 × 10³ फ्लक्स की जगह इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड मान लिया चार्ज रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 × 10²-12, तो क्यू इनसाइड कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओके, तो -1.0 × 10³ × 8.85 × 10²-12, तो ये तो वही रहेगा माइनस, और ये 10³ इसके साथ, तो 8.85 × 10²-9 कूलाम ये चार्ज होगा, और ये कैसा होगा चार्ज, नेगेटिव होगा, है ना, बिकॉज ये जो फ्लक्स होगा कैसे होगा, इनवर्ड होगा, ये डायरेक्शन कैसे रहेंगी यहाँ पे, इनवर्ड फ्लक्स होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स है, तो फ्लक्स कैसा रहेगा, इनवर्ड, और चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज है। ओके, ये होगी वैल्यू चार्ज की। थैंक यू।